जब हम मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि हीरो कितना पावरफुल है, बट मूवी का असली हीरो तो डायरेक्टर होता है। हम आपको मूवी के बिहाइंड द सीन और उनके फैक्ट्स इसलिए बताते हैं ताकि आप फिल्म मेकिंग के हार्ड वर्क्स को देख सको। 21 दिसंबर 2018 को KGF नामक एक फिल्म आई थी जिसने साउथ फिल्मों की डेफिनेशन ही बदल दी थी। पुष्पा की तरह ही KGF तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज किया गया था। यस यानी रॉकी भाई को जिसने हिंदी में आवाज दी है उनका नाम सचिन गोले हैं। आप उनकी एक झलक यहां देख सकते हो। आप जो यह लोकेशन देख रहे हो असल में KGF यानी कोलर गोल्ड फील्ड कर्नाटक के कोलर में एक असली जगह है। यहाँ पर सोने की बहुत सारी खदानें हैं। KGF चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी कोलर गोल्ड फील्ड से बनी सोने की खदानों पर ही आधारित है। यह जगह बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो KGF की स्टोरी काल्पनिक है लेकिन कहीं ना कहीं इसे रियल कोलर गोल्ड फील्ड से रिलेट किया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि 1951 में कर्नाटक के कोलर जिले में एक सोने की खदान मिलती है जिसकी जांच करने के लिए बहुत सारे सरकारी अफसर आए हुए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्यवर्धन सबको मारकर इस खदान को अपना बना लेता है। और सच्चाई की बात करें तो 1956 में असल में कोलर गोल्ड फील्ड को नेशनलाइज किया गया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर एक और सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि जब साल 1981 में उस काल की प्रधानमंत्री रश्मिका सेन यश को सबसे खतरनाक क्रिमिनल बताकर उसके खिलाफ डेथ वारंट पर सिग्नेचर करती है और उसके बाद यश गरुड़ा को मारकर कोलर गोल्ड फील्ड के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है और कोलर गोल्ड फील्ड से निकले हुए सोने को वह अपने मनमर्जी कीमत पर बेचता है। अगर इस सीन को रियलिटी से रिलेट करें तो रियलिटी में भी देखा जाए तो 1979, 1980, 1981 इन तीनों सालों के अंदर भारत के अंदर गोल्ड की रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे। अब बात कर लेते हैं इस लोकेशन की। यह लोकेशन रियल है लेकिन यहाँ जो सेट तैयार किए गए हैं उनके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। एंड आपको बता दूं कि KGF मूवी के कोलार गोल्ड फील्ड के इस सेट को बनाने में 9 महीने लगे थे और प्रतिदिन 250 लोग यहाँ काम करते थे। यहाँ जो आप इस वीडियो में इन्हें देख रहे हो यह इस फिल्म के मुख्य डायरेक्टर है एंड इनका नाम प्रशांत नील है, या यूँ कह लें कि KGF के मेन हीरो प्रशांत नील ही हैं जिन्हें आप केवल बिहाइंड द सीन वीडियो में ही देख सकते हो। तो सेट को बनाने में जितने भी क्रिएटिविटी लगे हैं वह सब शिबू कुमार के देखरेख में हुआ था जो मूवी के आर्ट डायरेक्टर हैं। उन्होंने फिल्म के छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्रिएटिविटी दिखाई है ताकि मूवी को 90s के समय का रियल टच मिल सके। यह बात तो आपने जान ही लिया कि लोकेशन बिल्कुल रियल है और यहाँ पर सालों पहले सच में गोल्ड माइनिंग होती थी। इस लोकेशन पर शूटिंग के वक्त काफी मुश्किलें आई थी। मौसम ने साथ नहीं दिया। पहले तो पूरी टीम को रेत के तूफान का सामना करना पड़ा था और एक समय तो भयंकर आंधी तूफान भी आ गई थी। सेट को बड़ी मुश्किलों से तैयार किया गया था एंड सेट को जितनी बारीकी से तैयार किया गया था वह सब अस्त व्यस्त हो गया। आर्ट डायरेक्टर ने इस बात पर यह कहा था कि वह अपने सेट को टूटता देख खुद टूटने लगे थे, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने साहस दिखाई और फिर से उन्हें सेट तैयार करने को कहा गया। तो कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो किस्मत आपका पेशेंस टेस्ट जरूर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी तो VFX स्टूडियो में भी शूट हो सकती थी तो फिर इतनी मेहनत क्यों? तो देखिए, आजकल के बड़े बड़े बजट की फिल्में VFX स्टूडियो में ही बनती है। बात कर ले रजनीकांत की रोबोट 2.0 या प्रभास की फिल्म साहो की। इन फिल्मों का बजट 300 करोड़ से ज़्यादा की थी, इसलिए मूवी का 90% हिस्सा तो फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में ही हो गया था। लेकिन इस फिल्म के पास केवल 80 करोड़ का ही बजट था जिसमें एक रियलिस्टिक टच के साथ साथ डिफरेंट लोकेशन की शूटिंग भी शामिल थी, इसलिए मूवी का 90% भाग रियल इन्वायरमेंट में शूट किया गया है। मूवी का यह सीन देखिए कितनी मुश्किलों से शूट हुआ है। इस सीन को करते वक्त यश के नाक और कान में धूल घुस गए थे एंड डायरेक्टर और कैमरामैन का जो एफर्ट है वह तो आप देख ही रहे हो।
गोल्ड माइनिंग लोकेशन को ड्रोन शॉट में दिखाने के लिए ग्राफिक्स मॉडलिंग के जरिए कुछ बदलाव किए गए थे। आप जो पहले वाली तस्वीर देख रहे हो यह फिल्म शूटिंग के रियल लोकेशन का है, जबकि दूसरी तस्वीर में आफ्टर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के बाद की तस्वीर है, जो कुछ ऐसा आपको दिखाया गया था मूवी में। यह उस समय का सीन है जब फिल्म की हीरोइन श्रीनिधि शेट्टी यानी रीना अपने दोस्तों के साथ सड़क पर पार्टी कर रही होती है। यह सीन पब्लिक प्लेस में शूट किया गया था। यहाँ आप देख सकते हो कि फाइटिंग का कुछ सीन, जिसे आप यहाँ से देखकर समझ सकते हो कि फाइटिंग सीन किस तरह से शूट होते हैं। मजदूरों के लिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई गई थी एंड मूवी में हमें यह दिखाया जाता है कि उनके साथ कितना अत्याचार होता है एंड यह उसी जगह का सीन है एंड बच्चों को मूवी की भी कुछ सीन के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से डायरेक्टर साहब उन बच्चों को अगली सीन के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। गली गली आइटम सॉन्ग के शूटिंग का नज़ारा आप यहां देख पा रहे हो। अगेन इस मूवी के आइटम सॉन्ग को गणेश आचार्य जी ने ही कोरियोग्राफ किया है एंड मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आई मूवी पुष्पा के ओ अंटावा सॉन्ग को इनके द्वारा ही कोरियोग्राफ किया गया था। एक्चुअली गली गली सॉन्ग त्रिदेव मूवी का है, जिसे KGF के का रीमेक भी आप कह सकते हो। गणेश आचार्य जी के हुक स्टेप ने इस गाने में जान डाल दिए हैं, जिसे आप बनते हुए यहाँ देख ही रहे हो। यहाँ क्लाइमेक्स का सीन देख रहे हो। यह शूटिंग लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड के सेंटर पर था। यहाँ पर एक तालाब बनाया गया था, पानी यहाँ पर डाला गया था एंड उन्हें रेड कलर से बनाया गया था ताकि वह पानी लाल कलर का दिख सके, उसे कलरफुल किया गया था। एंड यहाँ जो स्टेचू है वह भी VFX का कमाल नहीं, बल्कि असल में 60 फीट का स्टेचू ही था जिसके सामने फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हुआ था। क्लाइमेक्स के लगभग 10 मिनट के सीन की शूटिंग के लिए पूरे 6 दिन लग गए थे एंड हर रोज इसी तरह से सेट को सजाया जाता था। KGF मूवी को बनने में लगे हार्डवर्क के बारे में तो आपने जान ही लिया, तो क्या अब आप पुष्पा मूवी के बिहाइंड द सीन देखना चाहते हो? यदि हाँ तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो और राइट साइड में ऋतिक रोशन की वार मूवी के बिहाइंड द सीन आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।